स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेथड्स ऑफ फीडिंग देखेंगे। इन दिस स्लाइड आप लोग देखोगे, इसमें दो इन्होंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन की है। वन इज़ इंटरनल एंड अनदर इज़ पैरेंटल। बट आप लोग किसी किसी क्लासिफिकेशन में देखोगे, ओरल अलग से लिखा है एंड इंटरनल दे मीन ट्यूब फीडिंग एंड पैरेंटल मतलब हमारे वेन से है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने ओरल को भी ट्यूब फीडिंग के साथ इंक्लूड किया है, सो इट इज़ ओके। मतलब कि सम बुक्स में ओरल एंड ट्यूब फीडिंग को टुगेदर लिया है, मतलब उन्होंने कंसिडर किया है ओनली जो जीआर ट्रैक में जाता है, सो इट इज़ ओके। अगर आपको थ्री क्लासिफिकेशन लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, दैट इज़ ओरल डिफरेंट, इंटरनल मीनिंग एज ट्यूब फीडिंग एंड पेरेंटल जो वेन में जाती है, ओके। सी, ये स्लाइड एक्चुअली आप लोगों के लिए यूज़ के लिए है, जिसमें आप लोग कैसे जज करोगे कि कौन से पेशेंट को हमें इंटरनल या फिर राइल्स ट्यूब फीडिंग या फिर ट्यूब फीडिंग देनी है या फिर किसको हमें पेरेंटल या फिर डायरेक्टली टू दी वेन देनी है। तो ये एक्चुअली मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखी है कि जब आप लोग पेशेंट के पास जाएंगे तो देन यू कैन असेस कि हम लोग किस पेशेंट को कौन से टाइप की फीड दे सकते हैं। दिस इज़ फॉर क्लिनिकल यूज़। इसमें आप लोग देखेंगे कि एंटरल फीड दैट इज़ एंटरल न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है। एंटरल न्यूट्रिशन मतलब कि जो भी हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं जो ट्यूब के थ्रू देते हैं। सी इन दिस डायग्राम ना, उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया गया है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो नाक से डाल रही है, जो आपने क्लिनिकली शायद हॉस्पिटल में देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को, ठीक है। देन कुछ पेशेंट होंगे जिनको गैस्ट्रोस्टमी है, मतलब कि स्टमक के ऊपर डायरेक्टली एक ओपनिंग की गई है, दैट इज़ गैस्ट्रोस्टमी। देन फिर एक जियोजेनोस्टमी है। जियोजेनोस्टमी मतलब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है, डियोडेनम, जियोजेनम एंड इलियम। तो जो मिडिल पार्ट है जियोजेनम, उसमें एक डायरेक्टली ओपनिंग की गई है, तो इसमें एक छोटा ट्यूब होगा जो पेशेंट के हम लोग को एब्डोमिन में दिखेगा, ठीक है। तो ये मेन थ्री रूट्स हैं जो एंटरल फीडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब कि डायरेक्टली न्यूट्रिशन हम लोग वेन्स में दे रहे हैं, ठीक है। डायग्राम आप लोग अच्छे से देखोगे तो इसमें सारे टाइप के ट्यूब्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज नेसोगैस्ट्रिक जो हमने ऑलरेडी देखा, गैस्ट्रोस्टमी मतलब डायरेक्टली स्टमक में, जियोजेनोस्टमी मतलब इंटेस्टाइन में। नाउ देयर इज नेसोजियोजेनल जो जंक्शन में होगा बिटवीन द जियोजेनम एंड द डियोडेनम, ठीक है। एंड देर इज़ नेजो डियोडेनल जो डायरेक्टली डियोडेनम में होगा, डियोडेनम में ट्यूब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में दो हैं, वन इज़ पी पी एन एंड वन इज़ टी पी एन। ना पी पी एन इज़ पेरिफेरल न्यूट्रिशन, जो देखो हाथ के आई वी लाइन से, जो नॉर्मल एक आई वी लाइन हाथ में डालते हैं उसके थ्रू दिया जा सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दूसरा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टी पी एन, टी पी एन इज़ टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो डायरेक्टली सेंट्रल लाइन में दिया जाता है, आई जे वी में, सेंट्रल लाइन में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मेनली इनके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे कि हमें उसको टीपीएन देना है या पीपीएन देना है। इसमें हम लोग देखेंगे ट्यूब फीडिंग हमें किस कौन से पेशेंट्स के लिए यूज़ करना है। नाउ इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हु हैव च्यूइंग और स्वॉलोइंग प्रॉब्लम, जिनकी भूख कम हो गई है, जो कोमा में है, जिनको कुछ जी आई सिस्टम में प्रॉब्लम्स है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन है, फिस्चुला है, मोटिलिटी प्रॉब्लम है, या फिर जिनकी बॉडी की न्यूट्रिशन डिमांड बहुत बढ़ गई है बट नॉर्मल डाइट से हम उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, तो हमें उनको कुछ एक्स्ट्रा मेथड अडॉप्ट करना पड़ सकता है। ट्यूब फीडिंग हम लोग किस किस में नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर उनका जी आई सिस्टम नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है मतलब कुछ गैस्ट्रिक मोटिलिटी में प्रॉब्लम है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है कि अगर हमने फूड दिया भी तो भी वो हमारे पूरे जी आई सिस्टम में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल इज पैरालिटिक इलियस, अगर पैरालिसिस है मसल्स का तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। प्लस अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या फिर डायरिया है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो भी हम पेशेंट को और मतलब ट्यूब फीडिंग नहीं देंगे। ट्यूब फीडिंग उन्हीं को देंगे जो उसे डाइजेस्ट कर पाए, है ना, डाइजेस्ट करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट गिव। तो देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स क्या क्या हैं और उनको कब डाला जाता है। फर्स्ट इज ट्रांसनेजल जो कि हम लोग नाक के थ्रू डालते हैं। अगर ट्यूब फीडिंग पेशेंट को 4 हफ्ते से कम के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि ना ज़्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है ना, जिसमें हमें पता है कि 4 हफ्ते से कम लगेगा पेशेंट, 4 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो उनके लिए हम लोग नेजल रूट यूज़ करते हैं। बट अगर हमें पता है कि पेशेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा 4 हफ्तों से, तो हम लोग उनको परमानेंट, ज़्यादातर परमानेंट ओपनिंग देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोस्टमी या फिर जियोजेनोस्टमी, ठीक है। तो वो ज़्यादातर किसमें, लाइक अगर हो गया कि पेशेंट कोमा में है, ठीक है, या फिर उसको जीबीएस है, दैट इज गुलियन बैरिंग सिंड्रोम, जिसमें उसका मस्कुलर एक्टिविटी
कम हो गया है ना, जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म बेड पे रहेंगे उन पेशेंट्स को हम लोग परमानेंट ओपनिंग करते हैं। सी इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मूला फीड। नाउ फार्मूला फीड क्या है? फार्मूला फीड जो है वो रेडीमेड फीड्स जो अवेलेबल होती हैं, आपने छोटे बच्चों को देखा हम लोग नान देते हैं, सेरेलैक देते हैं ना, वो रेडीमेड अवेलेबल है, हमें सिर्फ एक बॉइल्ड वाटर में उसको मिक्स करके हाइजीनिकली प्रिपेयर करना पड़ता है। सिमिलरली अडल्ट के लिए भी ऐसे फीड्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम लोग फार्मूला फीड बोलते हैं। नाउ उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये न्यूट्रिशनली एडिक्वेट होना चाहिए, वो पेशेंट टॉलरेट मतलब पेशेंट शुड बी एबल टू डाइजेस्ट इट, ठीक है, और वो उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया या डिस्टेंशन या कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए, प्लस वो इजी टू प्रिपेयर एंड इजी टू पॉकेट होना चाहिए। फॉर्मूला फीड का सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाता है? पहला इज नीड टू असेस एज, कौन से एज को देना है, उसका मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड पेशेंट का एबिलिटी टू डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स, एंड चूज द वन विद लोएस्ट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कॉम्प्लिकेशन होने के कम चांसेस हों, लो कॉस्ट हो, प्लस न्यूट्रिशन रिलेटेड फैक्टर क्या है उसमें, एनर्जी प्रोटीन मतलब उसका कॉम्बिनेशन क्या है, फिर नीड फॉर फाइबर मॉडिफिकेशन, उसमें फाइबर एडिक्वेट है कि नहीं, बिकॉज फाइबर एडिक्वेट नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, प्लस इंडिविजुअल अगर कुछ सेंसिटिविटी है लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज मतलब कुछ एलर्जीज हैं, तो उससे रिलेटिव उसके रिलेटेड वो फार्मूला फीड होना चाहिए। फार्मूला फीड्स में भी दो टाइप होते हैं, वन इज स्टैंडर्ड एंड वन इज हाइड्रोलाइज्ड। नाउ स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, विच इज़ इन जो उसके नेचुरल फॉर्म में है, ठीक है, मतलब कि उसके जो होल फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कि होल प्रोटीन्स, जैसे हम लोग प्रोटीन्स दे रहे हैं तो वो होल है, मतलब इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड, ठीक है, और हाइड्रोलाइज्ड मतलब कि जिसको हमने कुछ लेवल तक प्रोसेस किया हुआ है, जो इजी टू डाइजेस्ट है, जो सम लेवल तक ऑलरेडी उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, जो इजी टू डाइजेस्ट होगा, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड फार्मूला को हम लोग पॉलीमरिक फार्मूलाज भी बोल सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला बताया है, फर्स्ट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में भी ये वर्ड सुना था, आइसोटोनिक मतलब कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है, सिमिलर मतलब कि सेम कॉन्सेंट्रेशन है एज रिलेटेड टू अदर सॉल्यूशंस, ठीक है ना। हाइपरटोनिक मतलब कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशन, ना मतलब कि अदर फीड्स, हाइपरटोनिक मतलब कि वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, ओके। नाउ हाइपर कैलोरिक मतलब कि जो ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड करता है, इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है कि 1 kcal/ml से ज़्यादा जो कैलोरी प्रोवाइड करता है वो। देन फाइबर कंटेनिंग फार्मूलाज कौन से हैं, जिनकी लो ऑस्मोलैलिटी होती है, मतलब कि उनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर किन पेशेंट्स को दिया जाता है कि जिनमें एबनॉर्मल बाउल रेगुलरिटी है या फिर जिनमें कॉन्स्टिपेशन है, तो उनमें उन पेशेंट्स को फाइबर कंटेनिंग फार्मूलाज ज़्यादा दिया जाता है, ओके। नाउ हाइड्रोलाइज फार्मूला क्या है, ये जो फार्मूला फीड जिनको कुछ लेवल तक डाइजेस्ट कर दिया जाता है ऑलरेडी, पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है, लाइक जैसे कि अगर प्रोटीन्स हैं तो उनको स्मॉल पेप्टाइड्स या फिर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो ईजी टू डाइजेस्ट हो जाए। ज़्यादातर ये उन पेशेंट के लिए किया जाता है जिनके डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर डिजीज़ लाइक पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर या फिर उनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, तो इन सब पेशेंट्स के लिए ज़्यादातर ये हाइड्रोलाइज फार्मूला यूज़ किया जाता है। ना मॉड्यूलर फार्मूला मतलब कि वो कंप्लीट फीड नहीं होती हैं, बट वो एडिटिव्स होते हैं जिनको हम लोग दूसरे फीड्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ना आप लोगों को कभी कभी कुछ देखेगा कुछ प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनमें हाई अगर हमें किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा प्रोटीन्स देना है तो वो ओनली प्रोटीन का पाउडर उसके एक नॉर्मल फीड में हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ होगा, एक मल्टीविटामिन का कुछ होगा या फिर एक फाइबर का होगा कि जो हम लोग नॉर्मल फीड में हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का बूस्टअप कर देगा उस फील्ड में, उसको हम लोग मॉड्यूलर फार्मूला बोलते हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड हैंड ब्लेंड फार्मूलाज, जो कि ना पेशेंट के फैमिली घर पे भी बना सकती है, लाइक ऑफकोर्स उनको ग्राइंड करना पड़ेगा, बट उसके अपने ही अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हैंड ब्लेंड फार्मूला नाम से ही पता चलता है कि जो हमने घर पे बनाया है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है।
होम ब्लेंड फॉर्मूला के एडवांटेजेस क्या है? इसमें फैमिली एक्टिवली पार्ट ले सकती है, इट ये लेस कॉस्टली है, इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, और इसमें मतलब कि जब फॉर्मूला फीड अगर कोई बाहर से ख़रीदा हुआ लेगा इंसान, तो उसे लगेगा कि वो कुछ अलग ही खा रहा है, बट इसमें उसको फेमिलियर होगा कि हाँ आज दाल चावल का शायद मिक्स मिक्स है या फिर वेजिटेबल है, तो वो फेमिलियर होगा कि हाँ इसमें क्या है, ठीक है। प्लस इसमें हम लोग न्यूट्रिशन जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्लस उसका टेस्ट जो है वो मॉडिफाइबल है ना, किसी को सॉल्ट ज़्यादा चाहिए, सॉल्ट कम चाहिए, शुगर ज़्यादा चाहिए, सो एटलीस्ट वो अपने लेवल पे मॉडिफाइबल होगा, ठीक है। नाउ इस होममेड फीड्स के डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला कि इसमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है, एक पर्सन को उसमें कम्प्लीटली अपना टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ता है, प्लस उनके पास एक ब्लेंडर होना चाहिए, यू नो यू डिपेंडिंग अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, प्लस एक रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए ताकि उन्होंने अगर कुछ उसको कुछ दाल चावल ब्लेंड करके रखा है तो उसको स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए, प्लस उसे इतना पतला पीसना है कि वो राइल्स ट्यूब में से पास हो सके, तो वो क्लॉग मतलब कि उसमें ना थिक पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, तो उसको बहुत टाइम लगेगा ब्लेंड होने के लिए, प्लस इसमें वो डेली प्रिपेयर होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने आज बनाया, आज बॉईल किया और कल उसको हम लोग ब्लेंड करके दे रहे, नो, वो डेली प्रिपेयर करके डेली हमको ब्लेंड करके देना है, प्लस उसमें हमको जो पर्सन बना रहा है वो इंश्योर करना चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से उसमें डाल रहा है या फिर वो जो कॉम्बिनेशन डाल रहा है वो एडिक्वेटली है, प्लस इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर अच्छे से स्टोर नहीं किया है, फ्रिज का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है या फिर हैंड हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं की है, तो इसमें इन्फेक्शन होने के, कंटामिनेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, प्लस अगर पेशेंट का घर, रिलेटिव का घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उन लोगों को बना के लेके आने के लिए, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। देखेंगे डिलीवरी मेथड, डिलीवरी मेथड्स मतलब कि हम लोग फीड कैसे कैसे दे सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरमिटेंट TF इज ट्यूब फीडिंग, नेक्स्ट इज बोलस फीडिंग एंड नेक्स्ट इज कंटिन्यूस ड्रिप फीडिंग। नाउ इंटरमिटेंट ट्यूब फीडिंग मतलब कि हम पेशेंट को एवरी 4 आवरली या 6 आवरली कुछ ML का फीड देते हैं, लाइक 200 ML, 300 ML, 150 ML, वो डिसाइड किया जाता है। कभी कभी नाउ न्यू रूल्स आ गए, कभी हम लोग एवरी 2 आवरली भी दे सकते हैं, ठीक है, सो इट डिपेंड्स। तो ये क्या हो गया इंटरमिटेंट, ठीक है, बट ये फीड ओवर 20 to 30 मिनट्स दी जाती है वेरी स्लोली, और उसके फुल डे का वॉल्यूम डिसाइड होता है, जैसे कि डिसाइडेड है कि हम लोग को 2000 ML पर डे देना है, तो वो डिसाइड, वो डिवाइड करके 24 आवर्स में दिया जाता है, ओके। बोलस फीडिंग, बोलस फीडिंग थोड़ा थोड़ा ना आपको इंटरमिटेंट फीडिंग के जैसे ही लगेगा, उसमें भी फीड एवरी 4 to 6 आवरली दी जाती है, जैसे हम लोग सिरिंज पकड़ के देते हैं ना, बट इस वो क्या है ना, विद इन फ्यू मिनट्स ही वो फीड ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ बोलस फीडिंग। बट इंटरमिटेंट फीडिंग में क्या है, उसको फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, फॉर एटलीस्ट हम लोग उसमें वी मेक श्योर कि हम लोग 20 to 30 मिनट स्पेंड कर रहे हैं वो फीड देने में पेशेंट को, ठीक है, बट बोलस फीड में इट इज़ विद इन फ्यू मिनट्स वो खत्म हो जाती है फीड, मतलब कि वी कैन एडमिनिस्टर द फीड। इज कंटिन्यूस ड्रिप मेथड, देखो इसमें ना डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें एक फीडिंग बैग है, जैसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछा था गवाज बैग, सो दिस इज गवाज बैग, प्लस वहाँ पे एक क्लैम्प है, जैसा हमारे IV ट्यूबिंग में क्लैम्प होता है वैसा एक क्लैम्प है, फिर उसका फीडिंग ट्यूब है, प्लस एक पंप यूज़ किया गया है जिसमें हम लोग वो ट्यूबिंग को सेट करते हैं, प्लस उसका एंड जो है पेशेंट का ज़्यादातर इलियोस्टमी है या फिर जेजनोस्टमी है उसमें अटैच किया जाता है, और ये ओवर 24 आवर्स, यू नो 20, या कभी कभी अगर डॉक्टर ब्रेक ऑर्डर करेगा तो ब्रेक, अदरवाइज वो कंटिन्यूस जैसा IV फ्लूड ड्रिप में जाता है वैसा ही वो एवरी वो हम लोग सेट करते हैं कि लाइक 60 ML पर आवर, ठीक है, तो ये वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली पेशेंट को जाता रहेगा विद द हेल्प ऑफ द पंप, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस ड्रिप मेथड। नाउ अभी नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में ना कॉमन प्रॉब्लम्स बताई गई हैं जो ट्यूब फीडिंग में हो सकती है, वन इज डायरिया, प्लस उसके क्यों, किस किस कारण की वजह से डायरिया हो सकता है, उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, सो वो आप लोग रीड कर सकते हो, एंड द अनदर प्रॉब्लम इज क्लॉग्ड ट्यूब, क्लॉग ट्यूब मतलब कि ब्लॉक हो जाना, ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, तो उसमें भी इसमें अगेन किस किस वजह से ब्लॉक हो सकती है और उसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या क्या कर सकते हैं वो दिया गया है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस।
ना ट्यूब फीडिंग में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। जब हम लोग मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं ट्यूब के थ्रू, तो हम ज़्यादातर इंश्योर करते हैं कि वो मेडिसिन लिक्विड है। अगर लिक्विड नहीं है, टैबलेट है, तो वी मेक श्योर कि हमने हमें हमने उस टैबलेट को अच्छे से क्रश किया है, प्लस वो वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो गई है, प्लस ईच टैबलेट को सेपरेटली वाटर में मिक्स करके फिर दिया जाता है। प्लस इंश्योर किया जाता है कि पहले हम लोग ऑलमोस्ट 30 ml ऑफ वाटर दें फीड के बाद, और उसके बाद में मेडिसिन दें, ताकि मेडिसिन सेपरेटली जाए और वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, ठीक है। प्लस मेडिसिन अगर किसी फूड में अगर ऑर्डर किया है कि फूड के साथ देने के लिए, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि उस मेडिसिन का और फूड का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। सी हम लोग दो ड्रग या फिर ड्रग और फूड साथ में क्यों नहीं देते हैं? पहली बात तो बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए, सेकंड देयर कैन बी रिएक्शन बिटवीन विद ऑफ द ड्रग विद फूड, मतलब कि फूड का रिएक्शन खाने के साथ हो सकता है, वी नेवर नो। सो दैट्स वाई इफ वी आर अनसर्टन, इस वजह से हम लोग हर चीज़ को सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं।